हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आपको नो स्कार स्क्रीन के बारे में बताऊंगी। नो स्कार स्क्रीन कैसी है, इसका क्या यूज़ है, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, क्या लॉन्ग टर्म के लिए नो स्कार स्क्रीन का इस्तेमाल करना स्किन के लिए, फेस के लिए सेफ़ है या नहीं है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। इसके साथ ही आप इसके साइड इफ़ेक्ट से कैसे बच सकते हैं। गाइस, नो स्कार क्रीम एक बहुत ही पॉपुलर क्रीम है मार्केट में, जो कि आपको इजीली मेडिकल शॉप में या फिर ऑनलाइन भी मिल जाती है। इस क्रीम का काफ़ी लोग इस्तेमाल करते हैं और काफ़ी बार आपने टीवी में भी इसकी एडवर्टीजमेंट देखी होगी, तो मेरे पास भी इस क्रीम से रिलेटेड कमेंट्स आते रहते हैं कि मैम नो स्कार क्रीम के बारे में बताइए, नो स्कार क्रीम कैसी है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इस क्रीम की पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। तो अगर आप इस क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर इस क्रीम को इस्तेमाल करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए और अगर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको इस तरीके की वीडियो देखना पसंद है। सबसे पहले मैं आपको नो स्कार क्रीम के थोड़ा सा प्राइस और पैकेजिंग के बारे में बता देती हूँ। नो स्कार क्रीम एक 20 ग्राम की ट्यूब पैकेजिंग में आता है जिसका प्राइस है 240 रुपए। कंपनी के अकॉर्डिंग नो स्कार क्रीम का इस्तेमाल आप जले के निशान, पिंपल्स के निशान, आंखों के नीचे काले घेरे और डिलीवरी के बाद आए हुए स्ट्रेच मार्क्स को ठीक करने के लिए कर सकते हैं। मेरे पास नो स्कार क्रीम काफ़ी पहले से रखी हुई थी जिसे मैंने सिर्फ 15 दिन यूज़ किया था, क्योंकि मेरे फेस में थोड़ा सा पिगमेंटेशन हो गई थी जिससे कि मुझे 10 से 15 दिन में ही ठीक करना था, क्योंकि उसके बाद मेरे घर में एक फंक्शन होने वाला था। तो मुझे लगा कि इस कम टाइम में यही एक क्रीम है जो कि मेरे पिगमेंटेशन को लाइट कर सकती है। सिर्फ 10 से 15 दिन के इस्तेमाल से ही मेरी जो पिगमेंटेशन थी वो काफ़ी ज़्यादा लाइट हो गई थी, मुझे अपनी स्किन में काफ़ी फ़र्क नज़र आया। बावजूद इसके मैंने नो स्कार क्रीम को लगाना बिल्कुल बंद कर दिया। रीज़न ये था कि मैंने इस क्रीम के बारे में काफ़ी रिसर्च की और मुझे पता चला कि इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो इसमें सॉल्ट हैं जैसे कि हाइड्रोक्विनोन, मोमेटाजोन, वो एक स्ट्रॉन्ग एस्ट्रॉयड हैं जो कि स्किन के लिए बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए इनका यूजेस स्किन में काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट को पैदा कर सकता है, तो इसलिए मैंने इस क्रीम को लगाना बिल्कुल ही बंद कर दिया। गाइस, नो स्कार क्रीम 3 दवाइयों के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, हाइड्रोक्विनोन, मोमेटाजोन एंड ट्रेटिनोइन। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको हाइड्रोक्विनोन के बारे में बता देती हूँ। हाइड्रोक्विनोन चेहरे में ब्लीचिंग का काम करती है। हाइड्रोक्विनोन का काम स्किन में मौजूदा मेलानिन पिगमेंट को कम करने का होता है। इंग्रेडिएंट है मोमेटाजोन। मोमेटाजोन एक कार्डिको एस्ट्रॉइड है जो कि स्किन में होने वाले सूजन को कम करने के लिए काम में लाई जाती है। इसके साथ ही अगर स्किन में एलर्जी हो गई है, खुजली हो रही है एलर्जी की वजह से, तो उसमें राहत देने का काम करती है। तीसरा सॉल्ट है ट्रेटिनोइन। ट्रेटिनोइन स्किन में मुहासे पिंपल्स को कम करने का काम करती है और मुहासे पिंपल्स को बढ़ने से रोकती है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप खुद से या किसी फ्रेंड के रिकमेंडेशन से इस क्रीम का इस्तेमाल ना करें। इस क्रीम को इस्तेमाल करने से पहले आप डॉक्टर से एक बार रिकमेंडेशन ले लें, उसके बाद ही आप इस क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। नो स्कार क्रीम को मोस्टली डॉक्टर मिलाजमा के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर आपके फेस में पिगमेंटेशन ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मिलाजमा है, तो आप इस क्रीम का इस्तेमाल मैक्सिमम 2 से 2.5 महीने तक ही करें। उससे ज़्यादा इस क्रीम का इस्तेमाल न करें, क्योंकि उससे क्या हो सकता है कि आपकी स्किन परमानेंटली डैमेज हो सकती है। अगर आप इस क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको इस क्रीम का इस्तेमाल सिर्फ नाइट में करना चाहिए। सोने से पहले किसी माइल्ड फेस वॉश से अपने फेस को वॉश कर लें। पैट ड्राई करने के बाद एक पी साइज़ का अमाउंट आपको लेना है और जो भी आपका इफेक्टेड एरिया है वहाँ पर इसको अप्लाई कर दें। मॉर्निंग में आपको फेस वॉश कर लेना है, उसके बाद आपको किसी अच्छे सनस्क्रीन को अप्लाई करना है अपने फेस पे और उस सनस्क्रीन को आपको एवरी 2 आवर्स में रिपीट करना है, और ये कंपल्सरी है, मस्ट है अगर आप इस तरीके की किसी भी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इस तरीके की क्रीमों से हमारी जो स्किन होती है वो फोटो सेंसिटिव हो जाती है, जिससे कि स्किन बहुत जल्दी धूप में टैन हो जाती है, जल जाती है। तो फ़ायदे की जगह कहीं ना कहीं वो आपको नुकसान करेगी, आपके फेस को बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकती है। तो इसलिए आपको सनस्क्रीन यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप घर के अंदर रहें या फिर बाहर रहें। उसके लिए आप किसी अच्छी कंपनी का सनस्क्रीन खरीद सकते हैं। SPF 40+ आपको एटलीस्ट सनस्क्रीन अप्लाई करना है। नो स्कार क्रीम का इस्तेमाल अगर आप काफ़ी लंबे समय के लिए कर रहे हैं तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं जो देखे गए हैं, जिनमें स्किन का पतला होना, फेशियल हेयर का बढ़ना यानी कि आपके फेस में बाल उगने लगेंगे, इसके साथ ही आपकी स्किन में छोटे छोटे दाने होने लगेंगे फेस में, आपकी स्किन पहले से ज़्यादा डार्क हो सकती है, परमानेंटली डैमेज तक आपकी स्किन हो सकती है अगर आप इस तरीके के एस्ट्रॉइड क्रीम को लॉन्ग टर्म तक इस्तेमाल करते हैं।